हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। और गाइस, यहाँ पे जो हमारे आर्क मोबाइल यूजर्स है उनके लिए काफी ज्यादा खुशखबरी है। और मैं बोलूंगा कि एक मैं आपको खुशखबरी और एक जो है ना गाइस आपके लिए एक सैड न्यूज भी भाई देने वाला हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आर्क मोबाइल से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट जो है ना गाइस, एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक न्यूज़ जो है ना गाइस वो निकल के आई है। और उसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे बात करने वाले। और गाइस, कुछ बंदों के कुछ सवाल है गाइस उस अपग्रेड मतलब उस न्यूज़ के रिगार्डिंग और जो अपडेट आने वाला है उसके रिगार्डिंग। सो उनके भी जवाब हम लोग यहाँ पे देने वाले। बाकी आज का एपिसोड शुरू करने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। सो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि आर्क ने, जैसे कि आप देख सकते हो इस पेज पे, एक बहुत ज्यादा बड़ा एक आर्टिकल टाइप गाइस, एक भाई आप बोल सकते हो कि न्यूज भाई यहाँ पे रिलीज करी है, जिसमें इन्होंने आर्क 2 से रिलेटेड और बाकी काफी सारे जो गाइस गेम से इनके एनिमेटेड सीरीज है गाइस आर्क की, इससे रिलेटेड काफी सारे अपडेट एक ही दिन में यहाँ पे रिलीज करे। सो आर्क 2 से रिलेटेड और ये जो आर्क सर्वाइवल असेंडेड आप देख रहे हो इसके रिलेटेड जो अपडेट है गाइस, वो मैं आपको जो ना गाइस यहाँ पे बताऊंगा अगले वीडियो में जो कुछ ही घंटों में यहाँ पे आने वाली है। अभी बात करते हैं आर्क मोबाइल के बारे में। हाँ, और एक और अपना आर्क मोबाइल का सर्वर है, नाम है R4HU1, पासवर्ड भी R4HU1 है, जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो, PVE सर्वर है। अभी गाइस, अगर हम लोग इनके बड़ी सी आर्टिकल टाइप जो इन्होंने गाइस यहां पे एक रिलीज करा है उसमें अगर हम लोग नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक देखने को मिलता है रिवैम्प ऑफ आर्क मोबाइल भाई, ठीक है। रिवैम्प ऑफ आर्क मोबाइल जो है ना गाइस वो क्या है आप नीचे पढ़ी सकते हो, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वी हैव सम इम्पोर्टेंट न्यूज अबाउट आर्क मोबाइल सर। अच्छा ठीक है, तो आर्क मोबाइल के जो हमारे सर्वाइवल्स हैं उनके लिए भाई एक इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। एट द ईयर एंड, मतलब ये जो हमारा साल चल रहा है इसके एंड होने तक जो है ना गाइस ये यहाँ पे रिलॉन्च करने वाले आर्क मोबाइल भाई, ठीक है, एज अ कंप्लीटली रिवैम्प्ड प्रोडक्ट। तो ये जो आर्क मोबाइल है ना गाइज वो यहाँ पे रिलॉन्च, वापस से गाइज यहाँ पे लॉन्च करेंगे आर्क मोबाइल, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है ना गाइज अलग होने वाला है, रिवैम्प आप इसको जो है ना गाइज आर्क मोबाइल बोल सकते हो। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो पहले मैं आपको ये न्यूज पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद इसमें क्या क्या नया होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इट विल बी बेस्ड ऑन अ ग्राफिकली इम्प्रूव्ड वर्जन, ग्राफिक जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड होने वाली है, ऑफ द स्विच कोड बेस ड्यू टू द इंक्रीज पावर जनरली अवेलेबल ऑन मोबाइल डिवाइस एंड इंक्लूड अ न्यू स्विच फीचर एंड कंटेंट द मोबाइल स्पेसिफिक चेंजेस। तो गाइज यहाँ पे जो आपको मैं बता देता हूं, जो स्विच निंटेंडो स्विच पे जो है ना गाइस अभी आर्क मोबाइल इन्होंने जो है ना गाइस रिलीज करा है। सो गाइस वैसे टाइप का आर्क मोबाइल जो है ना, मतलब आर्क मोबाइल ने आर्क रिलीज करा है, वैसे टाइप का आर्क मोबाइल में भी आपको कुछ देखने को मिलने वाला है अपडेट। एंड गाइस यहां पे ना ग्राफिक इंप्रूव्ड होगी और जो निंटेंडो पे आर्क है ना गाइस वही आर्क आपको मोबाइल में देखने को मिलने वाला है। और वी हैव प्लान टू रिलीज ऑल एक्सपेंशन पैक्स, मतलब अगर अभी रुको मैं आपको दिखा देता हूं, अगर हम लोग स्टीम ओपन करते हैं एंड स्टीम पे अगर हम लोग आर्क में जाते हैं, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड, तो आर्क में जो ना गाइस स्टीम पे आपको नीचे अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे एक्सपेंशन पैक्स। ये जो आप देख रहे हो, देखो एक्सपेंशन मैप ये देख रहे हो, ये इनके एक्सपेंशन पैक्स है गाइस, ठीक है। इसमें से फौजदूर और लॉस्ट आइलैंड आपको एक्सपेंशन मैप जो है ना गाइस वो फ्री में मिलेंगे, बाकी जेनिसिस वेलगेरो हो गया, रैग्नारोक हो गया। अच्छा, रैग्नारोक और वेलगेरो भी फ्री है, बट इनके काफ़ी सारे अगर आप ध्यान से देखोगे एक्सपेंशन मैप जो है ना गाइज वो यहाँ पे आपको पेड मिलेंगे। वैसे गाइज इनमें से मैंने मैक्सिमम मैप गाइज यहाँ पे खरीद के रखे, इसलिए गाइज आपको यहाँ पे उनकी प्राइस नहीं दिख रही है, बट गाइज इनमें जो है ना गाइज काफ़ी सारे मैप्स ऐसे गाइज जो आपको जो है ना गाइज खरीदने पड़ते हैं गाइज, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ना गाइज आपको एक्सपेंशन पैक्स मिलेंगे, जिसमें ये अलग अलग तरह के जो है ना गाइज नॉन कैनन मैप्स ओवर टाइम्स है। ओके ठीक है, तो गाइस ऐसे मैप्स ही हमको देंगे जिसमें स्टोरी बेस्ड जो है ना गाइस वो नहीं होगी। लाइक अगर हम लोग देखें तो लॉस्ट आइलैंड नहीं, अगर हम लोग हाँ लॉस्ट आइलैंड में भी जो है गाइस स्टोरी नहीं है, लॉस्ट आइलैंड मैप हो गया, उसके बाद सेंटर मैप हो गया, उसके बाद फौजदूर मैप हो गया, ये सारे मैप जो है ना आर्क के स्टोरी से जो है ना गाइस हटके। अगर आप आर्क पीसी खेलते हो तो आपको पता होगा आर्क पीसी में जो है ना गाइस पहले आता है द आइलैंड, उसके बाद आता है स्क्रॉचर, स्क्रॉचर के बाद आता है एक्सटेंशन, उसके बाद आता है एक्सटेंशन के बाद क्या आ जाता है शायद जेनेसिस आता है, उसके बाद जेनेसिस 2 और जेनेसिस 2 में द एंड हो जाता है स्टोरी का।
लेकिन इन सारे मैप से हटके अगर दूसरे मैप देखे जाए लाइक सेंटर हो गया, उसके बाद रैग्नारोक भी में भी शायद से स्टोरी में आता है, मुझे पता नहीं उतना, सेंटर हो गया, फूजदूर हो गया, लॉस्ट आइलैंड हो गया, ये सारे मैप जो है ना गाइज, इसमें स्टोरी आर्क की बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये मैप काफी बढ़िया है। सो इस तरह के मैप आपको जो ना गाइज देखने को मिलने वाले आर्क मोबाइल में, ठीक है, काफी बड़ा अपडेट है गाइज। लेकिन अगर अलग अलग मैप से तो आप समझ ही सकते हो कि साइज कितना बड़ा होने वाला है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड आर्क मोबाइल हैव बी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ओकेडी के रोड मैप। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा आर्क मोबाइल है ना गाइज, वो आपको बताइए होगा, अभी अगर हम आर्क मोबाइल खेलने जाते तो उसमें क्या होता है, आर्क मोबाइल खेलो, टेम करो, बॉस को मारो, डंजन में जाओ, खत्म, कुछ और नया आता नहीं है। लेकिन अभी जो है ना गाइज, ये जो रिलॉन्च होगा आर्क मोबाइल का, उसमें जो है ना गाइज आपको ऐसी लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी कि मतलब उसमें रेगुलर अपडेट्स भी आएंगे, कुछ इवेंट्स, लाइक आपको पता होगा कि आर्क पीसी में कुछ इवेंट्स आते रहते हैं गाइज, समर बैश फलाना ढिलाना, जिसमें आपको नई नई स्किन्स मिलती है, कुछ नई नई छोटी छोटी सी चीज़ें डाली जाती है कुछ कुछ मंथ्स बाद। तो ऐसे जो है ना गाइज यहाँ पे छोटे छोटे से अपडेट्स लाए जाएंगे, जिससे जो है ना गाइज गेम इंटरेस्टिंग बना रहे और कभी भी जो है ना गाइज वो डेड ना हो, गेम लाइफ साइकिल उसका चलता रहे। सो ये हो गई गाइज इस भाई न्यूज से रिगार्डिंग बातें, बस हमने यहाँ पे न्यूज जो लिखी हुई है वो पढ़ के आपको बताई। अभी हम बात करते कि आर्क मोबाइल कैसे होने वाला है। तो अगर आपने न्यूज ध्यान से पढ़ी होगी तो वहां पे लिखा हुआ है निंटेंडो स्विच का जो कोड बेस है गाइज, उससे जो है ना गाइज यहाँ पे आर्क मोबाइल बनाया जाएगा। अगर आपने निंटेंडो स्विच वाला आर्क नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि वही एग्जैक्टली आर्क, थोड़ी सी बेटर ग्राफिक या थोड़ी सी ग्राफिक लो करके आपको मोबाइल पे देखने को मिलने वाला है, सेम टू सेम वही आर्क। अगर आपको देखना है कि आर्क मोबाइल जो रिवैम्प होगा वो आर्क मोबाइल कैसे दिखेगा गाइस, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही आएगा, बट मैक्सिमम चांसेस है कि निंटेंडो स्विच वाला जो आर्क है ना गाइज, वो निंटेंडो स्विच पे आर्क जो है ना पीसी डायरेक्टली दिया जाता है, जिसमें जो वॉल्केनो वाली केव है जहाँ पे आप मेटल निकालने जाते हो ना आर्क मोबाइल में, वहाँ पे वो केव नहीं होती, वहाँ पे लावा होता है और बॉस होते हैं। एग्जैक्टली आप बोल सकते हो आर्क पीसी आपको आर्क मोबाइल में मिलने वाला है। ग्राफिक थोड़ी सी गाइज आर्क पीसी की जितनी हाई नहीं होगी, लेकिन अभी जो आर्क आप खेलते हो उससे काफी ज्यादा बेटर ग्राफिक आपको देखने को मिलेगी। प्लस गाइज यहाँ पे जो है ना गाइज आपको नए नए मैप्स भी देखने को मिलने वाले। अभी बात करते हैं, पब्लिक बोल रहे भाई नए कौन कौन से डायनोस आने वाले। सो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करूँ, मुझे पता चला कि निंटेंडो स्विच पे इन लोगों ने जो ना काफी अलग अलग डायनोस डाले हुए हैं, जिसमें गाइज चार्चा भी कुछ मंथ में आने वाला है, आया नहीं अभी तक निंटेंडो स्विच पे, कुछ मंथ में चार्चा आने वाला है। और गाइज ये गेम रिलीज होने वाला है हमारा आर्क मोबाइल रिवैम्प होके एकदम एंड में साल के, तब तक निंटेंडो स्विच पे चार्चा आ जाएगा। और गाइज काफी हाई चांसेस है कि आपको चार्चा जो है गाइज वो आर्क मोबाइल के रिवैम्प वाले वर्जन में देखने को मिलेगा, थाइलो कोलियो आपको देखने को मिलने वाला है, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि गाइज ये निंटेंडो स्विच वाला है जो है ना गाइज आर्क मोबाइल नहीं, एक्चुअली में निंटेंडो स्विच वाला आर्क पीसी जो है गाइज वो यहाँ पे आर्क आपने जो मोबाइल से उसके लिए लाने वाले डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि अगर आप निंटेंडो स्विच वाला आर्क पीसी देखोगे ना उसकी ग्राफिक काफी ज्यादा घटिया है गाइज, ठीक है। सो गाइज लो ग्राफिक मोबाइल भी सपोर्ट करेगा, इसलिए गाइज वही निंटेंडो स्विच वाला आर्क जो है ना गाइज वो मोबाइल के लिए यहाँ पे वो कन्वर्ट करके थोड़ी सी ग्राफिक इधर उधर करके लेके आने वाले है गाइज। अभी बात करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ी सी बुरी खबर है जो लो एंड वाले डिवाइसेस है गाइज उनके लिए, खास अगर आपने ध्यान से अगर वो न्यूज पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होगा कि हम लोग जो है ना गाइज आर्क मोबाइल का रिवैम्प मोबाइल के लिए अभी इसलिए पहले क्यों नहीं लेके आए, वो अभी इसलिए क्यों लेके आ रहे, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल से वो काफी ज्यादा टाइम के साथ पावरफुल होते जा रहे हैं, उनका रैम, उनका जो गाइज हमारा प्रोसेसर है, वो सब सारी चीजें जो है ना गाइज वो यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ साथ, और मोबाइल अभी इतने कैपेबल हो चुके हैं कि वो थोड़े से हाई लोड जो है ना गाइज गेम्स के वो झेल सके, एंड इसलिए वो आर्क जो है ना गाइज अभी मोबाइल के लिए लेके आ रहे हैं। सो इसका मतलब गाइज सिंपली यही पे ये बन के आता है कि जो आर्क होगा उसके लिए जो है ना गाइज आपके पास मोबाइल तगड़ा होना चाहिए होगा, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम खतरनाक चाहिए 8GB 16GB रैम, नहीं उतना भी तगड़ा नहीं चाहिए होगा, लेकिन बेसिक सा जो है ना गाइज मे भी शायद से 4 या 6GB रैम वाले मोबाइल में अभी आर्क जो है ना गाइज रिवैम्प वाला चलेगा, एकदम लो एंड में जिसमें अभी एकदम लगभग आप बोल सकते हो 4GB वाले किसी किसी मोबाइल में आर्क मोबाइल चल जाता है, वैसे गाइज आगे जो रिवैम्प वाला आर्क मोबाइल आएगा वो उतने ज़्यादा लो एंड डिवाइसेस में नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर भाई इंक्रीज हुई है मोबाइल्स की, ग्राफिक भी इंक्रीज हुए, इसलिए गाइज हम लोग अभी लेके आ रहे हैं गाइज मोबाइल्स में, तो शायद से। और गाइज प्लस ये जो गेम है
उस गेम की साइज ही अभी भाई 2GB है, जब रिवैम्प होगा तो और भी ज्यादा साइज बढ़ेगी, प्लस जो नए मैप्स आएंगे वो मैप्स अगर आप डाउनलोड करने के लिए जाओगे तो ये गेम लगभग मोबाइल के लिए भाई आप मैं बोल नहीं सकता बट कम से कम 5 या 6 GB का बन जाएगा। सारे मैप्स भी जब आएंगे तो डाउनलोड करोगे उसके बाद, ठीक है, क्योंकि अभी भाई 2 या 3 GB तक चला जाता है गाइस, ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड होने के बाद। सो इसलिए ये जो गेम है ना लगभग आप बोल सकते हो गाइस 80% चांसेस है कि लो एंड डिवाइस में जो है ना गाइस चलेगा नहीं गाइस, ठीक है, बट टेंशन नहीं लेना, शायद चल भी सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं बट मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है गाइस इन्होंने कि हम लोग जो है ना गाइस मोबाइल्स की पावर्स भी बढ़ चुके हैं इसलिए उसके अंदर लेके आ रहे हैं। बाकी डायनोज की बात करें तो डायनो जो पीसी वाले डायनोज है वो सारे डायनोज आ रहे हैं, चार चार अभी तक निंटेंडो स्विच पे आया नहीं लेकिन कुछ महीनों में वो आने वाला है तो शायद से वो आर्क मोबाइल में भी आपको देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। सो बस इतना ही बताना था मेरे को आज की इस वीडियो में कि आर्क मोबाइल रिवैम्प होके आ रहा है, बात करें कि वो कौन से मंथ में आएगा। सो वाइल्ड कार्ड गाइज जो है ना गाइज वो आर्क के सारे गेम गाइज यहाँ पे बनाते हैं, और वाइल्ड कार्ड की अगर हम लोग बात करें सो वाइल्ड कार्ड काफ़ी ज़्यादा जो है गाइज हम लोग का काटने का काम करते हैं गाइज, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड मैं भाई काफ़ी टाइम से वाइल्ड कार्ड को फॉलो कर रहा हूँ, और अगर देखा जाए ना अगर ये बोल रहे हैं ना कि एंड ऑफ द ईयर आएगा तो पकड़ के चलो नवंबर या दिसंबर में आने के चांसेस बस इसके 50% ही है, ठीक है। अगर ये वाइल्ड कार्ड बना रही है ना इस गेम को तो गाइज पकड़ के चलो कि ये इस साल के एंड में आने की इन्होंने न्यूज बस यहाँ पे दी हुई है, आने के 50% चांसेस है, वरना ये गेम जो है ना अगले साल ही चले जाने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने आर्क 2 जो है ना गाइज वो बोला था कि आएगा अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना इस मंथ में इसका गेम प्ले डालेंगे ये, ठीक है, और भाई कुछ महीनों में गेम आएगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली 2 साल डिले कर दिया उस गेम को। और ये हमेशा अपने हर एक अपडेट के साथ जो है ना गाइस पीसी वाले हर एक अपडेट के साथ ऐसे ही करते हैं, 2-3 महीने या 4-5 महीने या 6 महीने भाई वो कर देते हैं, डिले कर देते हैं अपडेट्स को। तो आर्क मोबाइल के साथ भी ऐसे कुछ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट उम्मीद कर रहे कि इस साल के एंड तक गाइस वो गेम आ जाए, और अगर आ भी गया ना मैक्सिमम डिले भी हो गया ना गाइस तो भाई दिसंबर तक तो ये गेम आ ही जाएगा, और दिसंबर को आपको जो है ना गाइस ये गेम यहाँ पे प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे देखने को मिलेगा, और आर्क मोबाइल लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है गाइस। और हमारे मोबाइल में गाइज आर्क नॉर्मल वाला अभी लैगी होता है तो इम्प्रूव्ड ग्राफिक के साथ रिवैम्प वाला बेटर वाला जो आर्क होगा वो थोड़ा सा लैगी चलने वाला है गाइज। तो लो एंड डिवाइस के लिए गाइज थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है, बट मैं कंफर्म नहीं बोल सकता गाइज, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था उस हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया, बाकी टेंशन नहीं लेना मे भी आपके मोबाइल में भी चल जाएगा, ठीक है, रिवैम्प करके आ रहा है तो मे भी ग्लिचेस बिचेस बग्स बिग्स हटा के थोड़ा सा उसको स्टेबल करके लेके आ जाए और लो एंड वाले मोबाइल्स में भी चल जाएगा इस गेम। बाकी तो बस इतना ही बताना था आज की इस वीडियो में, एंड वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और ये जो आर्क है ना गाइज इसके आपको ट्रेलर्स वेलर्स फोटोज वीडियोज काफी ज्यादा जल्दी लगभग 4-5 मंथ्स में भाई देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको और गाइज आर्क से रिलेटेड कुछ भाई न्यूज चाहिए तो इनका ट्विटर सिंपली जाकर आप फॉलो कर सकते हो गाइज, वहां पे आपको जो भी न्यूज चाहिए होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। बस इतना ही बताना था इस वीडियो में, बाकी आज का ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय गाइज, सी यू लेटर।